सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग फ्रेंड। तो अभी हो गई है गुड मॉर्निंग, मतलब हम लोग का सुबह हो गया है और सुबह का 6:30 बजे हम लोग गए हैं हम लोग का छोटा सा किचन गार्डन, जो कि इस बार बहुत ही अच्छा लौकी हुआ है हम लोग का। लौकी एकदम बड़ा बड़ा स्वादिष्ट, इतना अच्छा लगता है खाने में कि मेरा तो फेवरेट ही है लौकी। तो बस दीदी के साथ हम लोग गए हैं, सुबह चले गए सब्जी तोड़ने के लिए। और ये इसका साइज़ देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि सार डाले होंगे ये वो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये है प्योर ऑर्गेनिक फूड, मतलब एक भी केमिकल नहीं, एक भी दवाई नहीं, कुछ नहीं। मेरे पैर को बहुत ज़्यादा ही चुभ रहे थे, गार्डन में तो ऐसे होता ही है, इधर उधर काटा वोटा झाटी उटी सब रहता है, तो इधर काटने में लगी है दीदी। बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा भारी, की दोनों जन वहाँ पे रह के हम लोग पकड़ने नहीं सक रहे हैं। तो बस ये आज का सुबह का नाश्ता लंच दो टाइम के लिए बनेगा और ये सब्जी बन के जाएगा हॉस्पिटल उन लोगों के लिए डिनर, और सॉरी लंच और डिनर के लिए जाएगा। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं घर, फिर अंदर जाके बनेगा लौकी का सब्जी। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं किचन में और लौकी को रख दिए हैं और थोड़ा देर के बाद इसका होगा कटिंग। तो फ्रेंड अभी दीदी इसको काटने में लगी है, छोटा छोटा एकदम ही प्यारा सा लग रहा है, एकदम फ्रेश, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो बस दीदी उधर काट रही है और मेरा जो डेली का रहता है अपना गर्म पानी हुआ, चाय हुआ, मैं बस साइड में खड़े होकर पी रही हूँ, जो कि मैं दिखाने नहीं सकी क्योंकि फ़ोन तो मैं ही पकड़ी थी। और ये सब ख़त्म होने के बाद मैंने इधर दाल चढ़ा दिए क्योंकि टिफ़िन जाना है, तो दाल तो बनेगा ही बनेगा। तो बस इधर मैं फटाफट दाल को सोख करके उसको कुकर में डाल रही हूँ, फिर सारा दाल कुकर में डालने के बाद इधर मेरा गैस हो गया है ऑन, फिर उसके ऊपर कुकर चढ़ा दी हूँ, फिर थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा टमाटर, सारा कुछ डालने के बाद मैं कुकर को कर रही हूँ बंद और बन गए हम लोग आज का किचन का काम। सो फ्रेंड्स किचन का ऑलमोस्ट सारा काम हो गया, टिफिन उफिन भी डाल के सब चला गया। मैं तो आज नहीं जा रही हूँ हॉस्पिटल, जीजू ऑफिस जा रहे थे तो वही लेके गए, जाते टाइम हॉस्पिटल में छोड़ देंगे, मैं और कितना जाऊँगी आऊँगी बोल के फिर मैं नहीं गई। तो बस अभी घर झाड़ू करना है, उसके बाद मैं करूँगी नाश्ता क्योंकि बहुत जोर का भूख तो लग रहा है, लेकिन पहले घर झाड़ू कर लेती हूँ उसके बाद ही जाके। नहीं तो एक बार अच्छा से खोलू करो हैंड ऊपर करो। ई बबले अच्छा आज स्कूल में क्या किया? देखो ये सूज खोलो ना बेबी ना, हाँ सॉक्स को भी खोलना, पहले सूज तो खोल लो पहले। आज स्कूल में क्या किया? स्कूल में पढ़ो किया, पढ़ो किया। और आज टीचर पिटू नहीं की? टीचर पिटू नहीं। नाला अच्छा तेरा तो कोई बेस्ट फ्रेंड बना है मैं सुनी, कौन है तेरा बेस्ट फ्रेंड? और बेस्ट फ्रेंड है? कौन है? मैं भागे माओ तो बोल रही थी ऑस्टिन मेरा बेस्ट फ्रेंड है बोल। नहीं रुको चिकन खाएगा को नमक चिकन कौन बनाएगा जो चिकन खाएगा? आ सुन तो इधर आ, तो इधर आ तो ना बता, तो कौन है तेरा बेस्ट फ्रेंड बताओ, मेरे को सुनने में मिला, कौन है तेरा बेस्ट फ्रेंड? टीचर तो बता रही थी, वैसे मैंने पूछा टीचर को तो हाँ बता तो दो। हाँ इधर 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 चल, हाय बोल दो सबको, चल हाय बोल, गुड बॉय। हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू आवर चैनल। आप लोग कैसे हो?
फ्रेंड्स घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं अपना गमलों को थोड़ा सा कलर करूं। तो ये मेरा पिछले साल का गमला है जो कि मिट्टी मिट्टी हो गया था, तो उसको मैं पानी में थोड़ा देर भिगा के रखी साफ़ करने के लिए। उसके बाद एक एक करके साफ करने के बाद उसको थोड़ा देर के लिए धूप में सुखाई, क्योंकि थोड़ा सा पानी सूखेगा उसके बाद ही तो कलर करूँगी। तो बस साफ की उसके बाद मैंने उसको धूप में सुखाया। धूप में सुखाने के बाद मैं इधर थोड़ा सा कलर ली, कलर को मैं ली छोटा सा मिट्टी का बर्तन में, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा डाला थिनर। थिनर को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने सारा गमला सबको कलर की। सारा गमला को एक एक करके कलर करने के बाद मैंने इसको धूप में सुखा दिया, क्योंकि इसमें डालूंगी मिट्टी, मिट्टी के बाद इसमें डालूंगी फ्लावर, तो एक दिन में तो होगा नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही करती हूँ। सारा गमले को कलर करने के बाद धूप में सुखाई, फिर और कुछ नहीं। बस फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।